हाम्रो अर्जुन साथीलाई धेरै धेरै एकदम शुभकामना छ है, साथसाथमा अल द बेस्ट छ हाम्रो जुन चाहिँ त्यो सोच रहे है, दिमागमै सिर्फ सोच रहे, वो अब एक्चुअल रियल लाइफमै कर रहे है। हाँ अर्जुन जी मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा, इतना साहस कहाँ से आता आपके? आप लोगों का प्यार यार मुझे मतलब मोटिवेट करता है, एक्चुअली आप लोगों का प्यार है। जी 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 यार, मतलब डू लव एंड सपोर्ट प्रधान ब्लॉग्स को, बिकॉज इनिशियल डेज में ना मतलब आपका प्यार, मतलब आपका प्यार मतलब हमेशा आगे रहता है हमारे लिए, तो जरूर भर भर के प्यार देना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल विथ अनदर न्यू फ्रेश ब्लॉग। गाइस काफ़ी दिनों के बाद में मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और जैसे कि आप लोग को टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग को पता चल चुका होगा कि आज मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और किससे मिलने जा रहा हूँ। जी हाँ गाइस, टाइटल और थंबनेल में जो है वही एग्जैक्टली मैं आज जा रहा हूँ, क्योंकि आज जो है देसी ब्लॉगर जो कि अर्जुन तामांग जो है अपना ऑल इंडिया राइड शुरू करने जा रहा है। वो अपने घर से निकल चुका है और अभी सुबह का लगभग 7:30 करीबन हो चुका है, तो यहाँ से मैं अभी निकलूँगा घर से और जाऊँगा नक्सलवाड़ी, जहाँ पे मैं उससे मुलाकात करूँगा, इंटरव्यू लूँगा और उसके साथ में एक मीटअप, छोटा सा मीटअप करूँगा। तो गाइस क्योंकि वो जितना भी लद्दाख वगैरह जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह जितना भी राइड है वो उसने नेपाल राइड वगैरह सब कम्प्लीट कर चुका है, तो अभी वो अपना करने जा रहा ऑल इंडिया राइड, तो ऑल इंडिया राइड जो कि अपने स्कूटी में करने जा रहा है, तो मैं भी उससे थोड़ा मोटिवेट हूँ, काफ़ी मोटिवेट हूँ, तो काफ़ी सारा मेरे जैसे मोटिवेटेड है उससे, तो इसीलिए मैं मिलने जा रहा हूँ। ये काफ़ी एक अच्छा सा अवसर जो कि अपॉर्चुनिटी है उससे मुलाकात करने को, कब से मैं सोच रहा था कि काफ़ी दिनों से सोच रहा था उससे मुलाकात करने के लिए, तो उससे मुलाकात करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं भी थोड़ा गियर अप हो चुका हूँ। तो यहाँ से अभी कुछ ही क्षण में हम लोग निकलते हैं और जाते हैं देसी ब्लॉगर से मिलने, और वहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा, उससे बातचीत करूंगा, सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूले। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, ये जो आप देख रहे हैं जैसे कि मैं अभी जबड़ा मोड़ में हूँ, तो यहाँ से अभी निकल चुका हूँ, तो यहाँ से मैं जाऊँगा नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी में ऑलरेडी मेरा एक दोस्त जो है वो मुझे वेट कर रहा है, तो वो और मैं मिल के ही वहाँ पर इंटरव्यू भी लेंगे और उसके साथ में मीटअप भी करेंगे, तो बने रहे ब्लॉग पे, क्योंकि आज का जो ब्लॉग जो है ना काफ़ी इंस्पिरेशनल ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि जो देसी ब्लॉगर जो है मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ, हालांकि काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था मैं उनसे मुलाकात करने के लिए। जाने कहाँ जाने? नक्सल भयो तो अभी मैंने एक भाई को भी, स्टूडेंट भाई को भी लिफ्ट दे दिया है, क्योंकि अगर आप खाली रहेंगे तो लिफ्ट देना भी ज़रूरी है, लेकिन बिना हेलमेट का तो मैं वैसे लिफ्ट नहीं देता, लेकिन जान पहचान का था और लोकल साइट का ही था, तो इसीलिए मैंने दे दिया। तो अभी मौसम ना गाइस ऐसे बारिश के जैसा मौसम हो रहा है, क्योंकि गाइस बारिश बोलने से बारिश भी होना शुरू हो गया है, तो एक्चुअली हम लोग का टाइमिंग जो था वो 7 बजे करीबन का था, लेकिन ये बारिश की वजह से ही थोड़ा लेट हुआ, तो अभी नक्सल के तरफ भी बारिश हो रहा है सुना था मैंने, तो लालपुर में जाके थोड़ी देर रहेंगे, क्योंकि बारिश जो है काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये जो कैमरा में भी थोड़ा थोड़ा करके बारिश आ रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, फिर भी अभी देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, तो आस्ते आस्ते करके हो रहा है। हालांकि सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ सदभैया में, और मेरा दोस्त जो है लास्ट टाइम मिला था सुशांत, वो अपना पूरा एकदम जितना भी है सामान वगैरह लेके आ चुका है, और मेरा तो स्कूटी के वो डिक्की में ही है, तो लगभग अभी मैं फ़ोन किया था, शायद बिजी होंगे, राइड कर रहे होंगे, इसीलिए वो अभी फ़ोन रिसीव नहीं किया, फिर भी हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। एक्चुअली बारिश की वजह से ना ये जो समय जो मतलब प्लानिंग जो है क्या बोलते हैं शेड्यूल वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि घर से मैं आगे ही निकलने वाला था, उधर बारिश हो रहा था मैं बारिश हो चिलो ही है, मौसम बड़ा सुहाना है आज, इस टाइप भी है वैसे कितना हो गया। तो गाइस बने रहिए, अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग उससे मुलाकात करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे, और आप भी अगर उसका चैनल फॉलो नहीं किए तो उसका भी चैनल फॉलो कर लीजिए। सो गाइस अर्जुन जी आ चुके हैं, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हाँ इस राइड करने के लिए, और साथ में बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। एक सीन उतरूँ ना हमें, यहीं एक सीन उतरे अलग यहीं हो कि अरुण कत बसूँ तब ब्रेकफास्ट है अभी यहाँ ऊ हम के यहाँ को सर ने अलग खदा लगाईदी हो कि
अन्त त्यहाँदेखिको जाउँ न ल। साथी हो मेरो, प्रेसकै साथी हो कि, हाम्रो यता लोकल हाम्रो न्युजहरू हो। त्यसो भए एक काम गरौँ न त सर, उनी सोगाई साहब देख सकते मेरे पीछे अर्जुन जी, जो कि आज से उनका ऑल इंडिया राइड शुरू कर रहे हैं, उन्हीं और अर्जुन तामाङ होलो और ना आगे माने अनेक जगह घूरे थे, ए बार ये स्कूटी नहीं है वो घूरते थे माने पूरा ऑल इंडिया। ओए ओके छाड़ते आसे थे ओ सब माने सिलगुड़ी दर्शन थे। एक के चिल्ला दिलम भयो होला, फेरि एक के चिन है ल ल। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ अर्जुन जी का जो पूरा एकदम स्कूटी का सेटअप है, जो टू व्हीलर का सेटअप पूरा एकदम देखिए आप यहाँ पे। और अगर आप लोग मोटो ब्लॉगिंग देखते हैं यूट्यूब में तो आप ये स्कूटी देख के आपको पता चल चुका होगा। देखिए यहाँ पे देखिए पूरा एकदम स्टिकर कहाँ कहाँ वो घूमे हैं, पूरा स्टिकर वगैरह है यहाँ पे। देखिए जैसे कि पूरा आसाम, मणिपुर, ये देखिए दार्जिलिंग टू ले, मेन जो चीज़ है दार्जिलिंग टू ले, देखिए ये सब। नाम चाहिँ तपाईँको अर्जुन तामाङ। अर्जुन तामाङ। सो जैसे कि मैं दिखा रहा था आपको, ये जो जितना भी सेटअप है पूरा एकदम लॉगेज सिस्टम है। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ ड्रीम है, फिर भी मैं अभी तक कर नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा काम होता है। लेकिन फिर भी उसके जज्बे, अर्जुन जी के जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि हम लोग जो सोच रहे हैं दिमाग में ही सिर्फ सोच रहे हैं, वो आप एक्चुअल रियल लाइफ में कर रहे हैं। हाँ अर्जुन जी मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। इतना साहस कहाँ से आता आपके? आप लोगों का प्यार यार मुझे मतलब मोटिवेट करता है, एक्चुअली आप लोगों का प्यार है। जी 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 सही बता रहा हूँ, अगर आप लोगों का प्यार नहीं होता तो फिर शायद वो हिम्मत नहीं आता। मगर मेरे पीछे मैं अकेला नहीं हूँ ना, आप सब लोग हो, आप लोग का प्यार सबसे मायने रखता है। फिर भी जैसे कि अभी तो लगभग आपका कितना दिन का ये ट्रिप रहेगा? ऑल इंडिया तीन से चार महीने का। तीन से चार महीने का ना, इससे पहले देखे कि हम लोग लद्दाख उससे भी बेहतर मतलब एक्सट्रीम राइड बोलेंगे हमारे मुस्तांग वाले राइड, राइट? मुस्तांग में तो पूरा एकदम सेनोरिटा रहा आपका, पूरा एकदम दो, लेकिन अच्छा लगा मतलब ऐसे आपका हमारा बेहालत हुआ था मगर मजा बहुत आया उसी के साथ साथ। तो हम लोग को ऐसा फील होता है कि आपका जो वो एक्सट्रीम वाला राइड वगैरह या तो वो देखने के बाद में ना हम लोग को लगता है कि हम भी वहीं पर है, आपके साथ में ही उधर पे। तो ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि मतलब हम लोग का जो ड्रीम है आप सही में वो उसको जी रहे हैं। तो अभी ये ऑल इंडिया राइड के लिए काफी मतलब आप लोग को आपको ऑल द बेस्ट। सुबह सुबह हम घर से निकले थे लगभग 6:10 को, और भाई लोग का प्यार इतना मिल रहा है तो उसके चलते काफ़ी लेट होते हैं हम सारे। तो अभी देखिए 8:40 हो चुका है, तो कोई नहीं आज हम ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर नहीं करेंगे, तो उसके चलते मैं भी टाइम दे रहा हूँ सभी को, सभी को टाइम देकर एक बार हम नेपाल एंटर करेंगे तो फिर हम अकेले हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर अपना रवाना शुरू होगा मतलब। चलिए ठीक है ब्रो, अर्जुन साथीलाई धेरै धेरै एकदम शुभकामना छ है, साथसाथमा अल द बेस्ट छ हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रै भनौँ न हामी है बेसिक लोकल फ्यामिलीकै भनौँ न होइन, यो एकदम ठुलो बिग एउटा ठुलो ड्रिम नै थियो मलाई लागिरहेको थियो तपाईँले जब यो जुन चाहिँ सायद पोस्ट हो कि के भन्छ पोल हो के भन्छ नि है, त्यस्तो नै बेसी इन्स्टाग्राम चलाउँदिनँ होइन, पोल गर्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट चाहिँ के छ भनेर गेस भनेर यसो गरेर गर्नुभएको थियो नि, मलाई लागिरहेको थियो कि अल इन्डिया नै हो कन्फर्म, त्यहाँ नेपाल गरिसक्नुभयो तपाईँले, नर्थ इस्ट गरिसक्नुभयो, साथमा के अरे यो लद्दाख गरेर यो होइन सिक्किम गरेँ सब गरिसक्यो होइन, तर अब बादमा चाहिँ सायद अल इन्डिया नै होला। त्यहाँ त मैले सोचेको थिएँ अब त्यस्तो प्रायः अब के मोटो के पनि गर्छ होइन, तर अब के टुक्यो त हामी या त अब त्यही या त साउथमा हुनु पऱ्यो या त माथि नै हुनु पऱ्यो, तर त्यो भन्दाखेरि बेटर अप्सन चाहिँ सायद अल इन्डिया नै है, सबै हुन्छ के टुके पनि हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ, नट ओन्ली के टुके होइन डी टु डी या त के टुके त्यस्तो हुन्छ नि है। सो अल द बेस्ट है तपाईँलाई। तो यहाँ पे हमारे जो दार्जिलिङ पुलिस बोलेंगे या वेस्ट बेंगल पुलिस की ओर से यहाँ पे हमारे अर्जुन जी को स्वागत करते हुए देखिए हमारे नितिन रॉय सर, जो कि हमारे ये जो सदभैया ट्रैफिक पॉइंट है ना इसमें काफ़ी सारे वो अपने योगदान दे रहे हैं इधर पे सेफ्टी चीज़ को लेके। तो सर हुन्छ संवर्धना देते हुए एक संवर्धना जनाते हुए वेलकम करते हुए। तो सर थोड़ा कुछ बोल दीजिए हमारे देसी ब्लॉगर जी को, क्या बोलना चाहेंगे अभी आज से ऑल इंडिया राइड शुरू कर रहे हैं।
आपका आपका यात्रा शुभ हो, आपका मकसद पूरा हो। हाँ, ईश्वर का पास यही हम कामना करेंगे आपके आगे। थैंक यू गर्व है। हम लोग का भी इच्छा है, लेकिन हम लोग कुछ हम कर नहीं पाते हैं। हम लोग का जो मन में ख्वाब है वो आप पूरा कर रहे हैं, इसीलिए आपको बधाई। तो गाइस, अभी यहाँ से हम लोग का जो छोटा सा मीटअप ये अभी कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम लोग जाएंगे दूसरी जगह। वहाँ पे जाके थोड़ा हम लोग अर्जुन जी नाश्ता करेगा और उसके साथ में फिर हम लोग थोड़ा उसके साथ में बातचीत करेंगे और जितना भी है। तो वहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा अर्जुन जी नाश्ता करेंगे और उसी के साथ में हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ से अर्जुन जी को छोड़ने के लिए काफ़ी सारे लोग भी आए हुए, शायद वो लोग पानी टैंकी या तो नेपाल तक ही जाएंगे। ओके सर। रथ खोला तो एक डराइते हो। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन जी पूरा एकदम। तो चलिए गाइस, रथखोला मोड़ में थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद में फिर तो मेरे पीछे अर्जुन जी भी आ रहे हैं। और अभी यहाँ से ना रथखोला मोड़ में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद में फिर जाएंगे हम लोग पानी टैंकी या तो उसी के बगल में ही कुछ भी कहीं पर भी खाने का जगह मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग खाएंगे नहीं, मैं तो पेट फुल है मेरा। तो थोड़ा अर्जुन जी के साथ में बातचीत करेंगे। हाँ, और एक ख़ास बात जो है कि हमारे यहाँ के नितिन रॉय सर जो है ट्रैफिक पॉइंट में जो है एएसआई सर, उसने काफ़ी मतलब अच्छा सा रिस्पांस दिया हमारे अर्जुन जी को और जो काफ़ी सारा प्यार दिया। हाँ, तो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से और मैं लीड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है यू नो, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है ना इस तरीके से राइड, लॉन्ग राइड, ऑल इंडिया राइड, ये सब ना अर्जुन जी लाइक सही मैंने वो जी रहा है। अर्जुन जी उसको फॉलो कर रहा है, अपने ड्रीम्स को, पैशन को फॉलो कर रहा है और हम लोग को भी मतलब कुछ ना कुछ अच्छा चीज़, पॉजिटिव चीज़ें हम लोग को सिखा रहा है। क्योंकि अभी के समय में काफ़ी सारा ऐसा होता है कि जो लाइक नशे में या तो ऐसे मतलब जो होता है ना ख़राब रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन अर्जुन जी एक अच्छी तरीके से ऐसा चीज़ को कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी गाइस मेरा ना जो ये स्कूटी का जो मीटर जो है मीटर केबल जो है शायद ख़राब हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे किलोमीटर शो नहीं कर रहा है, अटक गया है ये। तो सेकेंड अभी जो सर्विसिंग जाऊँगा उसमें मैं थोड़ा आप लोग को ये ठीक करके भी दिखाऊंगा इसका ये। और ये इंजन जो लाइट जो है काफ़ी डिस्टर्ब देता है, पता नहीं ये यामा का क्या प्रॉब्लम है, एक तो मीटर केबल और ये जो इंजन लाइट में प्रॉब्लम देता है। क्योंकि मेरा जो पिछले वाला जो स्कूटी था यामा फसिनो, उसमें भी ऐसे ही समस्या दिया था, प्रॉब्लम फेस हुआ था मुझे, तो इस बार भी ऐसे ही प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो पता नहीं क्या यार। पूरा एकदम देखिए आप यहाँ पे देसी ब्लॉगर। तो गाइस अभी मेरा जो इंटरव्यू लेना जो था वो अर्जुन जी के साथ में इंटरव्यू हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए उसका बाइक जो यहाँ पे है, तो इंटरव्यू का काम ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ से वो निकलेंगे, नाश्ता वगैरह कर रहा है। तो उसके बाद गाइस अर्जुन जी का ना एक बात जो है, जब राइड के समय में जो वो बोलते हैं खूबसूरत, हम लोग तो अर्जुन जी की तरह नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अर्जुन जी के मुँह से सुनना चाहूँगा, बोल दीजिए एक बार खूबसूरत गाइस उस तरीके का ये खूबसूरत नहीं था, क्योंकि वो जो खूबसूरत है ना वो खूबसूरती को देखने के बाद ही आएगा। हम लोग का चेहरा उतना खूबसूरत नहीं है ना। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है अर्जुन जी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद में जाएंगे नेपाल। और क्या हो रहा है उधर पे के हो रहा है, पूरा हल्ला हो रहा है। सो गाइस अभी यहाँ पे हमारा जितना भी ब्रेकफास्ट था, हमारा पूरा टीम का ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी अर्जुन जी यहाँ से निकलने वाले, रवाना होने वाले हैं। और यहाँ से जैसे कि अर्जुन जी ने बताया कि यहाँ से अभी जाएंगे नेपाल, उसके बाद में जाएंगे फिर नेपाल से काठमांडू होते हुए उसके बाद में उत्तराखंड से ढुकेंगे और ऑल इंडिया राइड शुरू करेंगे। सो गाइस यहाँ पे अर्जुन जी पूरा एकदम रेडी हो चुका है, अभी उसका शी ऑफ करेंगे हम लोग। तो अर्जुन जी आपको एकदम
ऑल द बेस्ट फिर से। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है, अभी ये ब्लॉग चल रहा है, शूट हो रहा है, तो सब्सक्राइबर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? गाइस यार मतलब डू लव एंड सपोर्ट प्रधान ब्लॉग्स को, बिकॉज इनिशियल डेज में ना मतलब आपका प्यार, मतलब आपका प्यार मतलब हमेशा आगे रहता है हमारे लिए, तो ज़रूर भर भर के प्यार देना। आपका प्यार अगर हमें मिलता है तो हम और मतलब उठ पटांगे हरकतें करने का मतलब वो सांस आता है। तो गाइस डू लव एंड सपोर्ट प्रधान ब्लॉग्स, थैंक यू वेरी मच। तो आपको भी एकदम ऑल द बेस्ट है, अच्छे से आपका जितना भी जर्नी है वो अच्छे से कंप्लीट हो, और आशा करते हैं कि जर्नी के बाद में जब आप यहाँ पे आएंगे उस वक्त फिर से एक मीटअप करेंगे। अच्छा थैंक यू। तो अभी सी अप करते हैं अर्जुन जी को फाइनली अभी। ओके बाय बाय बेस्ट ऑफ लक। तो निकल रहे अर्जुन जी, और अर्जुन जी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर ऑल इंडिया राइड। अभी हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से, मेरे को भी दूसरी जगह जाना है गाइस। तो आप लोग को आज का ब्लॉग जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही में बेल वाले आइकन को भी दबा दे, इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो करना ना भूले गाइस। सो मिलते हैं अगले ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग्स में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू वेरी मच गाइस।